अंकित सक्सेना के बारे में तो आपने भी सुना ही होगा, बहुत सी खबरें आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप अंकित सक्सेना के बारे में सच जानते हैं? क्या आप जो जानते हैं वो सच है? आज हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंकित एक अलग समुदाय से था और उसकी प्रेमिका, उसकी दोस्त एक मुख्तलिफ समुदाय यानी कि माशरे से बिलोंग करती थी। रहन सहन, पूजा पाठ और बाकी सभी चीज़ें अलग थी, लेकिन एक बात जो दोनों में समान थी वो ये थी कि वो दोनों ही एक दूसरे से बे इंतहा प्रेम करते थे। वहीं मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इस मामले को मजहबी रंग देकर बवाल किया जाए, लेकिन बात इस बार नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग और कुछ संगठन लगातार इस कोशिश में हैं कि वो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से अलग कर दें। कुछ वीडियोस और बहुत सारे मैसेजेस के माध्यम से झूठा भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस इंसिडेंट से, इस घटना से मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं और ये मजहब की लड़ाई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमने अपने चैनल यू न्यूज़ से कुछ कमेंट्स उठाए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान भी इस घटना से उतना ही नाराज़ है जितना कि हिंदू है। इन कमेंट्स को गौर से देखिए। नसीन खान लिखती हैं, आई मिस यू अंकित एंड सॉरी हम आपको बचा नहीं पाए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसने भी ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। जाजा खान लिखते हैं, बहुत बुरा हुआ अंकित के साथ। उरूज फातिमा लिखती हैं, सो सैड। नीचे एक और कमेंट है जिसमें जोया शेख लिखती हैं, आई मिस यू भाई। आगे हिना मौलाना लिखती हैं, ऐसे बेरहम लोगों को फांसी दे जाए ताकि अब कोई प्यार करने वाले अलग ना हो पाए और प्यार की जीत हो। साजिद मंसूरी लिखते हैं कि जब रब ने प्यार बनाया तो हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया, दुनिया में रहने वाले लोग ये सब क्यों करते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। शमीना बाबू लिखते हैं, होप ही गेट्स जस्टिस सून। और आगे मोनू मलिक लिखते हैं, प्लीज बंद करो प्यार करने वालों को मारना, उनको मिला दो यार। अफसाना सिद्दीकी लिखती हैं, क्राइंग वेरी बैडली। और ये सभी कमेंट्स हैं जो अशरे से हैं, जिस पर आए दिन उंगली उठाई जाती है। बहरहाल हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग भारतीय मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं उसे ये ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यही सच्चाई है और सच पूरी दुनिया तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। फीडबैक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।